नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीतियों में किया व्यापक परिवर्तन। आर्थिक अपराध इकाई ने प्रदेश के एक वर्तमान मुखिया और एक पूर्व मुखिया की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ई टिकट वाले वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्री भी कर सकेंगे रेल यात्रा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवा और बारिश की संभावना जताई। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीतिगत स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। श्री सिंह पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में भाजपा की ओर से आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने उत्पादकता को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई, जबकि वर्तमान सरकार ने उत्पादकता के साथ साथ किसानों की आमदनी आधारित योजनाओं पर ध्यान दिया। श्री सिंह ने कहा कि खेती के साथ साथ किसानों को बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार समावेशी, भेदभाव रहित और गरिमामय विकास के लिए वचनबद्ध है। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज गोवा की राजधानी पणजी में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के मार्ग पर चल रही है। साफ नियत, सही विकास। जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये है हमारी साफ नियत। सही विकास का मतलब ये है कि जो गरीब है, जिस तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, अगर हम एलपीजी कनेक्शन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, अगर हम हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्कूली बच्चों से पर्यावरण रक्षक बनकर प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से निपटने में सरकार और समाज का हाथ बटाने को कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन आज नई दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए आयोजित दौड़ में भाग लेने के लिए एकत्र हुए 10,000 स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहे थे। हमें अपने जीवन के अंदर ग्रीन गुड डीड्स को अपनाना है। इस वर्ष जो प्लास्टिक को बीट करने का जो थीम है, ये कोई हमारी लड़ाई प्लास्टिक के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्लास्टिक जो है उसका जो इस्तेमाल हम करते हैं और वो फिर बाद में एनवायरमेंट में जाकर हमारे नालों को चोक करता है, हमारे समुद्र को, नदियों को, वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारे एनिमल्स हैं उनके पेटों को चोक करता है, सब विषयों के ऊपर जो है एक्सपर्ट्स का चिंतन हो रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर SC ST एक्ट पर कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की। उन्होंने SC ST समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने की भी मांग की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति जनजाति के मुद्दों पर उनके विचारों से सहमति जताते हुए सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के साथ बिहार की राजनीतिक स्थिति और एनडीए के घटक दलों के बीच समन्वय को लेकर भी बातचीत हुई। श्री पासवान ने कहा कि पटना में एनडीए की 7 जून को होने वाली बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पटना में बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी सांसद पवन वर्मा ने बताया कि यह एक सामान्य बैठक थी। उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संगठन के विस्तार पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। श्री वर्मा ने कहा कि बैठक में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि राज्य में नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में जदयू की हार और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी चर्चा हुई। 7 जून को एनडीए की पटना में होने वाली बैठक से पूर्व जदयू की इस बैठक को राजनीतिक गलियारों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रदेश के एक वर्तमान मुखिया और एक पूर्व मुखिया की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों ने बताया कि इनमें दरभंगा जिले के धनोली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव और भागलपुर जिले के लत्तीपुर उत्तर के पूर्व मुखिया निरंजन मंडल के नाम शामिल हैं। सुरेंद्र यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनकी 1 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति जांच के दायरे में है।
वहीं निरंजन मंडल की 37 लाख रुपए की संपत्ति आरोपों के घेरे में है। निरंजन मंडल पर कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। किसी मुखिया और पूर्व मुखिया की संपत्ति जब्त करने का यह प्रदेश का पहला मामला है। आर्थिक अपराध इकाई सरकारी राशि का गबन करने वाले कई अन्य मुखिया और अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन यात्रियों के पास ई टिकट है और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल है तो भी उन्हें यात्रा का पूरा अधिकार होगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मदन बी लोकुर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि काउंटर टिकट और ई टिकट लेने वाले यात्रियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिलहाल वेटिंग लिस्ट वाले ई टिकट खुद ब खुद कैंसिल हो जाते हैं। खंडपीठ ने रेलवे को यह भी आदेश दिया कि जल्द से जल्द ऐसी स्कीम लागू करे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्जी नामों से टिकट बुक कराने वाले एजेंटों पर रोक लगाई जा सके। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। शेष हिस्सों में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा। रोहतास जिले का डेहरी 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर 468 कार्टन शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 ट्रक और 1 पिकअप वैन भी जब्त किया गया। रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ले से पुलिस ने 305 कार्टन शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई। गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के नंदुबिघा गांव के पास जीप की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत डीएस कॉलेज के पास ट्रक की चपेट में आने से 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घर जलाने के मुख्य आरोपी मुकेश राय को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के लखनपट्टी गांव में आपसी विवाद में अपराधियों ने एक पूर्व मुखिया की पीट पीट कर हत्या कर दी। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक उदय नारायण झा को एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौड़िया में एक झोला छाप चिकित्सक के यहाँ इलाजरत महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के महसौल चौक स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीतियों में किया व्यापक परिवर्तन। आर्थिक अपराध इकाई ने प्रदेश के एक वर्तमान मुखिया और एक पूर्व मुखिया की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ई टिकट वाले वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्री भी कर सकेंगे रेल यात्रा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवा और बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।